हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू श्री सेठ विद्यापीठ स्कूल. सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1. सो टुडेज टॉपिक इज कंजक्शन. इफ यू हैव योर टेक्स्ट बुक, यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक और एल्स यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो. सो लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ कंजक्शन. व्हाट इज कंजक्शन? Conjunction is a word that connects words, phrases, or sentences to each other. A conjunction is like a glue. It helps things to stick together. Means, conjunction एक ऐसा word, phrase और sentence है जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है और एक glue के जैसा है जो एक दूसरे को साथ में जुड़ा रखता है. So, there are three types of conjunction. The first one is coordinating. What is coordinating conjunction? They join together words, phrases, and independent clauses with them. Short or copied sentence can be joined into fuller line. Means, जो coordinating conjunction है, वो एक word phrase वो एक independent phrase होता है और ये छोटे and copied सेंटेंस को एक बड़े सेंटेंस के साथ जोड़ सकता है. ये ये कन्वर्ट कर सकता है छोटे को बड़े के साथ. फॉर, सो, येट, बट, नो, एंड, दिस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. मीन्स फॉर, सो, येट, बट, नो, एंड, ये सब वो वर्ड्स है जिसको जोड़कर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बना सकते हैं. Here are some example of coordinating conjunction. I go to the park every Sunday for I love to watch the duck on the lake. Means यहाँ वो बोल रहा है कि वह हर संडे लेक पर डक देखने के लिए जाता है. Second one is I watch the duck on the lake and the shirtless man playing soccer. मतलब यहाँ वो बोल रहा है कि मैं डक और जो ग्राउंड में शर्ट जो ग्राउंड में सॉकर खेलते हैं शर्टलेस होकर, मंस जो शर्टलेस में भी कोई प्लेयर होंगे जो शर्टलेस खेलते होंगे उनको देखने के लिए ये ग्राउंड में ये पार्क में जाता है. द थर्ड वन इज आई डोंट गो फॉर द फ्रेश एयर नॉर फॉर द डक्स, आई जस्ट लाइक सॉकर. सो थर्ड वन इज टेलिंग कि ना ही मैं कोई डक देखने जाता हूँ या ना ही मैं कोई फ्रेश एयर लेने जाता हूँ, बस मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे सॉकर पसंद है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. So let's move on to subordinating conjunction. A subordinating conjunction always introduces a depend clause, trying it to an independent clause. Means जो subordinating conjunction है ये हमेशा introduce करता है depend clause को जो independent होने का कोशिश करते हैं. A dependent clause is a group of words that cannot stand alone as a compute as a complete sentence. Means ये डिपेंड क्लॉज एक ऐसा ग्रुप है जो कभी अकेले नहीं स्टैंड कर सकता या अकेले सेंटेंस नहीं बना सकता. एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज बाय कॉन्ट्रैक्ट्स कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो हमेशा एक अकेला सेंटेंस बनकर स्टे कर सकता है. There are a lot of subordinating conjunction. Here are the most common example, although, as, because, before, how, if, once, since, then, and etc. Means, there are a lot of subordinating conjunction. यहाँ ऐसे बहुत सारे subordination conjunction हैं जो daily basis पे use होते हैं. Like, although, as, because, before, how, if, once, since, then, and etc. Example of subordinating conjunction. Because of him, I learned how to start my own business. यहाँ बोल रहा है कि उसकी वजह से मैं ये सीख पाया कि मुझे मेरी खुद की business कैसे संभालनी है. So here using because, everything will fall into place if you start at beginning. मतलब हर चीज़ अपनी जगह पे start हो सकती है अगर तुम starting से ही positive रहो. थर्ड वन इज अंटिल यू ट्राई यू नेवर नो इट. मतलब जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुमको कुछ पता नहीं चलेगा.
Fourth one, I added a new entry to my gratitude journal when I wake up in the morning. Means, मैंने एक नया habit और नया gratitude अपने early morning routine पर डाल दिया है. So, what are the correlative conjunctions? Correlative conjunctions are tag term conjunction. They come in pairs and you have to use both of them in different places in a sentence to make them work. क्लैटिव कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन है जो पेयर्स के साथ आते हैं बट जिनको तुमको एक साथ यूज़ करना पड़ता है बट इन डिफरेंट प्लेसेस. सो लेट्स सी व्हाट इज एग्जांपल इज कॉमन पेयर्स लाइक दिस इज द कॉमन पेयर्स ऑफ क्लैटिव कंजक्शंस. फर्स्ट वन इज बोथ एंड वेदर और ईदर और नीदर नॉर नॉट बट नॉट ओनली बट ऑल्सो. These are the common pairs that use in a daily basis sentences. Example of collative conjunctions. I want either the pink sofa or the purple one. Means यहाँ पे वो बोल रही है कि या तो मुझे pink sofa चाहिए या purple color का. I'll study both English literature and art history. Means यहाँ वो ये बोल रहा है कि मैं English literature and art history भी पढ़ता हूँ. I don't know whether you want milk or cream, so I grabbed both. Yeah, the third one is saying मुझे नहीं पता कि तुम्हें milk चाहिए या cream, so मैंने दोनों ला दिया. Why do you want to visit neither Ireland nor Scotland? मतलब यहाँ वो पूछ रहा है कि तुम क्यों Ireland या Scotland जाना चाहते हो. So student, these were the conjunctions. I hope you liked it and thank you very much for watching this. Agar you have any confusion or you have any doubts, then you can write down in the comment section or else you can continue with the video and I hope you understand. And stay safe, stay at home, don't go outside.